अब ना मैं भागने वाला हूँ एंड मेरे पीछे सयन भी भागेगा, तो देखते हैं एक्चुअली एक्शन मोड कितना ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके हाथ में फोन होगा। हम लोग दोनों भागने वाले भाग। तू झूठी, मैं मक्कार मूवी देखने आया हूँ। ये है क्यूबिक मॉल। आ तो 8 तारीख को ही गई थी, बट मुझे थोड़ा आते आते लेट हो गया, इसके लिए आज जा रहा हूँ देखने। ऑलराइट, चेंज कर लिया है एंड मूवी देख के आया। मूवी रोम कॉम है, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स को ही रिकमेंड करूँगा देखो, क्योंकि टाइम पास मूवी है, कॉलेज स्टूडेंट को देखने मज़ा आएगा। एनीवेज, सयन आया है आईफोन 14 लेके। अपने ग्रुप का पहला आईफोन 14 है, तो कैमरा टेस्ट ऐसा ब्लॉगर नहीं करे तो हो ही नहीं सकता। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आईफोन 14 लेके वेलकम बैक कर रहे चैनल पे, एंड सयन का ये फोन भाई, कांग्रेचुलेशन। इतना जल्दी क्यों लिया बता? ऐसे ले लगा हो जाना था इसलिए ले लिया। हाँ, लेकिन हम लोग ने ब्लॉग में पता है क्या बोला था, एग्जाम के बाद लेगा, लेकिन हम लोग विजय सेल्स में देख के आए एंड उसके अगले दिन ही आईफोन घर पे आ गया था इसके, क्योंकि इससे रहा नहीं गया। आईफोन देख के आए, मस्ती आई भाई, लेना तो लेना है अब। बाकी अभी जो भी आगे क्लिप देखोगे वो होगा इस आईफोन 14 से भाई। इसका लेकिन स्टेबल मोड अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत खतरनाक लगा। चलो अभी टेस्ट करते हैं इसको फटाफट। इसका नाइट मोड भी सही है, रात के टाइम पे नाइट मोड बहुत कुछ है, सिनेमैटिक है, स्टेबल है एंड कैमरा तो भाई सबको पता है क्वालिटी कैसी होती है इसकी। एंड अब देख सकते हो इसका लेंस देखो कितना बड़ा हो गया। लेंस एक्चुअली बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा, ये व्लॉग में समझता नहीं है। ओके, तो ये है फ्रंट कैमरा एंड 12 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया है आईफोन में। फ्रंट कितना है? 12 है। अच्छा, दोनों बैक कैमरा भी 12 मेगापिक्सल एंड फ्रंट भी 12 मेगापिक्सल है, लेकिन आईफोन का 12 मेगापिक्सल इसका मतलब ये नहीं कि एकदम क्वालिटी अलग रहेगी भाई, एक नंबर रहेगी। अब इसके बाद पीछे वाइड एंगल से शूट करेंगे। ओके, तो ये है इसका वाइड एंगल। आई होप ये ज़्यादा वाइड है, आई थिंक एंड्रॉयड से कंपेयर करें तो वाइड है, मैंने खुद देखा, क्योंकि मेरा वाइड थोड़ा सा छोटा है मुझे ऐसा लग रहा है। एंड क्वालिटी कैसी कमेंट्स में ज़रूर बताना इसका, क्योंकि सेंसर बड़ा है बाकी दूसरे आईफोन से कंपेयर करो 13-12 से। एंड स्टेबल है फ़ोन, बहुत स्टेबल है, क्योंकि हम लोग ने भी फ्रंट कैमरा चेक किया एंड फ़ोन एक्चुअली में स्टेबल है। एंड नॉइस कैंसिलेशन भी आई होप इसमें है। हाँ, ऑलरेडी मिल, सारे आईफोन में मिलता है, देखता भी इसका कैसा। तो ये फर्स्ट टाइम है मेरा आईफोन 14 से वाइड एंगल में ब्लॉग कर रहा हूँ, स्पेशल थैंक्स टू सयन। ये है इसका सिनेमैटिक मोड एंड एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, 4K में हम लोग शूट नहीं कर रहे हैं, जितने भी क्लिप्स है सब 1080p पे शूट हो रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एंड्रॉयड में एडिट होने वाला है एंड एंड्रॉयड में बहुत ज़्यादा लैग करेगा आईफोन का क्लिप, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फाइल होते हैं। एंड बाय द वे, दिस इज सिनेमैटिक मोड। सिनेमैटिक से हम लोग एक से एक बिरोल लेंगे एंड उसको ऐड करके देखते हैं कैसा लगता है। बाय द वे, इसमें फ्रंट कैमरे में भी सिनेमैटिक मोड दिया है, जो कि व्लॉगर्स के लिए बहुत अच्छा है। बहुत लोग क्या करते हैं, फ्रंट कैमरे से व्लॉग करते हैं तो पता नहीं चलता इतना। एंड सिनेमैटिक मोड भाई, मैं इससे मूवी बना सकता हूँ, पूरी बता रहा हूँ। हाँ, वो बना सकते हो। एट लास्ट अभी इसका ना स्टडी मोड ही बचा है, जो कि चेक करना है। एक्शन मोड। अगर आप व्लॉग कर रहे हो तो इस तरह आपकी कुछ क्वालिटी दिखेगी, ऑल दो ये 4K नहीं है, 4K में तो और अच्छा दिखेगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट मोड जो कि सिर्फ 14 सीरीज से आया है, वो है एक्शन मोड। उसको चेक करते हैं अभी, कहाँ भागे बट बाहर भागते ना, लंबा बाहर जाने का, गार्डन से बाहर, छोटा है गार्डन बहुत। हाँ, गार्डन छोटा है, यहाँ भाग नहीं सकते तो बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ एक अच्छा पैच चाहिए उसके लिए। अब ना मैं भागने वाला हूँ एंड मेरे पीछे सयन भी भागेगा, तो देखते हैं एक्चुअली एक्शन मोड कितना ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके हाथ में फ़ोन होगा। हम लोग दोनों भागने वाले एंड लेकिन आज थोड़ा डल लग रहा है, क्योंकि इतना साफ है नहीं, सनलाइट है नहीं आज। चलो भागे भाग। नहीं, भाई एक्चुअली बहुत गंदा हिल रहा था भाई, मैं
लिटरली मैं क्या बोलूँ, चौंक गया मैं भाई, ऐसा हाथ ऐसा पूरा हिल रहा है, लिटरली फोन ऐसा ऐसा हिल रहा था, लेकिन फिर भी कैमरा बहुत स्टेबल है, एक्शन बहुत स्टेबल, ऐसा लग रहा है पूरी नहीं हो रहा है, ऐसा लगा भागे नहीं हम लोग, वो फोन हम लोग ऐसा चाह रहा है, गिम्बल का जमाना गया, गिम्बल को ओवरटेक कर लिया भाई, DSLR वगैरह जो DSLR तो छोड़ ही दो, वो भी गया, बाकी iPhone 14 एक नंबर। ये था iPhone 14 128GB, भाई बहुत अच्छा फोन है, रिकमेंडेड फॉर ब्लॉगर्स, ब्लॉगर्स के लिए भाई, ब्लॉगर्स के लिए अच्छा है, बाकी नॉर्मल जो यूज करते हैं उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, एंड गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो फिर गेमिंग, अच्छा हाँ गेमिंग में कैसा है, गेमिंग वाला ठीक ठाक है, एक ही इसका थोड़ा सा हमें खराब लगा, इसका जो डिजाइन है ना कैमरा का, वो थोड़ा सा हाथ में चुपचा रहता है जब खेल, अच्छा जब मतलब पबजी वगैरह ऐसे जब खेलोगे हाथ में चुपता रहता है बस। और तू कुछ नॉच का भी बोल रहा था, वो नॉच का ठीक हो गया पहले के, बाकी मुझे तो कैमरा बहुत अच्छा लगा, कैमरा के लिए सही है। हाँ एक लास्ट क्लिप आईफोन 14 से, ये देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है, सनसेट हो रहा है यहाँ पर, आज तो सन दिखाई नहीं पूरे दिन भाई। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो भी आईफोन लेता है वो बैटरी से बहुत परेशान होता है, तो इसकी बैटरी लाइफ कैसी है, बैटरी लाइफ अच्छी, एक दिन चला जाएगा, मतलब फुल चार्ज में रफ टफ यूज में एक दिन चलता है, एक दिन चला जाएगा इजीली। हाँ तो ठीक है, ये एक्सपीरियंस से बता रहा है भाई, कितना दिन हो गया फोन लेके, फोन 4 दिन हो गए, 4-5 दिन, तो 4 दिन का एक्सपीरियंस बहुत होता है चार्जिंग के लिए, तो चार्जिंग मतलब ओवरऑल मतलब बोलने की बात है अच्छा है, अच्छा है पूरा एक दिन चला जाएगा। हाँ 4K वाला जो पार्ट था मैंने सयन से शेयर किया, एक्चुअली मैंने 4K में भी ब्लॉग किया इसके आईफोन में, लेकिन मेरे फोन में सपोर्ट ही नहीं कर रहा 4K क्लिप, 4K वाले क्लिप में ये बोल रहा था कि सयन का कल से ट्रिप चालू होने वाला है बंगाल, वेस्ट बंगाल ट्रिप, तो देखना है तो जिसका चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब करो एंड देखो वेस्ट बंगाल ट्रिप, और मैं भी सोच रहा था मैं भी एक ट्रिप मार के आऊँ, क्या बोलते हैं कमेंट्स में बताओ, थोड़ा जाना चाहिए कि नहीं, छोटे मोटे ट्रिप पे सयन भी जा रहे थे मेरे साथ, मैं भी निकल लेता हूँ, तेरे साथ नहीं रहे, तेरा तो बहुत दूर है, वेस्ट बंगाल मतलब बहुत ज़्यादा दूर हो गया, 2000 किलोमीटर ही दूर, ऐसा बोलने में आसान है भाई। चलो गाइस इफ यू एंजॉय दिस व्लॉग फॉर व्हाटसोएवर रीजन देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो। 14 का कैमरा ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, एंड लाइक सिनेमैटिक मोड प्लस एक्शन मोड जो है वो मिला के एकदम अच्छा एंटरटेनिंग व्लॉग बना सकते हो, बाकी चैनल पर तो जरूर से सब्सक्राइब करना, क्या बोलते हो मैं भी एक ट्रिप प्लान करूँ, कुछ चाहिए कि ट्रैवल व्लॉग्स आए तो कमेंट्स में जरूर बताना, बाकी सयन तो जा रहा है वेस्ट बंगाल, उसका चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड 1 लाइक फॉर आईफोन 14।